2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज एंड 6 गीगाहर्ट्ज। 6 गीगाहर्ट्ज, क्या आपके राउटर में 6 गीगाहर्ट्ज है? सो ये होती हैं ट्राई बैंड फ्रीक्वेंसीज जो कि हमारे राउटर के अंदर आती हैं। लेकिन ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज है ये है वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी का पार्ट। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों वाईफाई 6E को गवर्नमेंट बैन करने वाली है या वो बैन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप में से काफी लोगों को पता होगा कि 2020 में वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर हमें साथ ही साथ 6 के साथ 6E टेक्नोलॉजी भी मिली, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस था जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, सो दैट आपको ये चीज क्लियर हो जाए। लेकिन आज हम जानने आए हैं कि वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट क्यों बैन करने वाली है। तो सबसे पहले उसमें आपको जानना जरूरी है कि Wi-Fi 6 एंड Wi-Fi 6E के अंदर डिफरेंस क्या है। Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी जो आती है वो डुअल बैंड पे ही आती है। डुअल बैंड का मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। लेकिन जो Wi-Fi 6E टेक्नोलॉजी आती है वो ट्राई बैंड पर आती है। ट्राई बैंड के अंदर वही 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज एंड तीसरा जो अलग से अब इसके अंदर लॉन्च हुआ है वो है 6 गीगाहर्ट्ज। सो ये इसका एक मेन डिफरेंस है। इसका डिफरेंस जानना हम लोगों को इसलिए जरूरी है क्योंकि वाईफाई 6 अभी भी बहुत ही तरीके से यूज हो रहा है, लेकिन 6E का जो ट्राई बैंड है जो कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड है वो प्रोबेबली बैन हो सकता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, जो कि COAI ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है सेलुलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि ये सारे ही सेलुलर रिलेटेड जो भी काम है वो सारे के सारे मैनेज करती है, इन्होंने ही डॉट को, डॉट मींस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इनको अप्रोच किया रिगार्डिंग दिस 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के इसको बैन कर दिया जाए। ये अपील अप्रैल में करी गई है 2024 में बाय द डायरेक्टर ऑफ COAI जिनका नाम है मिस्टर SP कोचर। अब इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, आज हम चार रीजंस को डिस्कस करेंगे जो कि इसके मेन रीजंस हैं। रीजंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डॉट ने अभी भी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी है इसको बैन करने की, बट ये अभी भी येट टू डिक्लेयर्ड है, इसमें अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है कि ये बैन होगा या नहीं होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली फिलहाल के लिए इसको बैन की अपील करी गई है। तो अब हम चार रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला रीजन है अवॉइड इंटरफेरेंस। अब मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सैटेलाइट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए या टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं वो सारी ही 6 गीगाहर्ट्ज बैंड पे वर्क करती हैं, और अगर अब नॉर्मल पब्लिक भी 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को यूज करेगी तो ये एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है जिस वजह से इंटरनेट की स्पीड या इंटरनेट कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही तरीके से वर्क ना करे, ये पॉसिबिलिटी है। तो सेकेंड रीजन डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक वेवलेंथ है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है जिसके थ्रू ही ये सारा का सारा ट्रांसमिशन होती है। और अगर हम स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट की बात करें तो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एक तरीके की साइंस है जिसके अंदर इसके अंदर कम से कम इंटरफेरेंस हो उसको मैनेज किया जाता है एंड मैक्सिमाइज यूज कर सके पब्लिक इस फैसिलिटी को, वो चीज़ को इंश्योर किया जाता है। So, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम करते हैं सेकेंड रीजन को डिस्कस। सो सेकेंड रीजन है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब है कि काफी सारी कंट्रीज ने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं कि आप जो भी है अपने ही बैंड पे इंटरनेट को यूज कर सकते हो। अगर डिवाइसेस 6 गीगाहर्ट्ज बैंड पे यूज करेंगे जो कि एक अनरेगुलेटेड बैंड है, तो ये जो है पूरे की पूरी स्पेक्ट्रम के अंदर एक मेस क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर काफी सारी इंटरफेरेंस रहेगी एंड स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा इश्यू आ जाएगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड रीजन, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कंज्यूमर्स को 6 गीगाहर्ट्ज बैंड यूज करने में, सो इससे क्या होगा कि सारा का सारा जो डेटा है वो काफी सेफ रहेगा एंड कोई भी रूल वॉयलेट नहीं होगा, जिससे कि कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट नहीं होंगे। फोर्थ रीजन है इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन। वाईफाई डिवाइसेस को 6 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करने की परमिशन देना विदाउट केयरफुल कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस एंड बहुत ही ज्यादा इनडिफरेंसिएशन क्रिएट कर सकती है स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर,
जैसे कि आपको पता है कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो काफी ज्यादा मैस हो सकता है, इसीलिए COAI ने इसको बैन करने की अपील करी गई है। सो ये तो थे चार रीजंस। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे कि रिलायंस जियो या एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया, ये सारे ही COAI के मेंबर्स हैं, तो सारे ही ब्रांड्स ने अपील करी थी कि इसको बैन कर दिया जाए, जस्ट बिकॉज इन सबको ही बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो 6 GHz है ये एक लाइसेंस फ्री बैंड नहीं है, एंड इसको जब भी इंट्रोड्यूस किया गया था ये कंज्यूमर्स के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ये टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के लिए ही बनाया गया था, जिस वजह से अब ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको बैन करने की तभी अपील करी गई है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 6 GHz वाले राउटर्स को परचेज करने का, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि ये वाले जितने भी राउटर्स हैं गवर्नमेंट ने इन पे बैन लगाया हुआ है। जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स इनको बेच रही हैं, जैसे कि Amazon, Flipkart या और भी वेबसाइट्स अगर इनको सेल कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको ऑलरेडी एक लीगल नोटिस भेज दिया है, तो इनको अब ये बैन करने वाले हैं। तो आप अभी मत परचेज कीजिएगा जब तक ऐसी कोई न्यूज ना आए, बिकॉज आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। एंड बाय चांस अगर आप वाईफाई 6E राउटर को परचेज कर चुके हैं एंड आपके पास 6 GHz बैंड है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि 6 GHz बैंड पर आप इंटरनेट यूज ना करें, सो दैट आपको भी कोई भी लीगल इश्यूज फेस ना करने पड़े। सो आई होप आपको प्रॉपरली क्लियर समझ आ गया होगा कि वाईफाई 6E बैन होने की संभावना है, जो कि बैन अभी नहीं हुआ है, लेकिन वाईफाई 6 आप बिंदास यूज कर सकते हो घर पे बिना किसी टेंशन के। सो देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए तब तक के लिए EBR को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, सी या।